जिवें सब तो पहले एक तरह की हैगी है जी इतने मिक्स लैंड यूज़ की प्रॉब्लम है पूरे शहर लुधियाने की। ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम है, कोई लखां दे विच इंडस्ट्री है, गरीब लोग ने छोटे छोटे घर है, कितों दो मशीन तीन मशीन थले लाइया उपर लिया फ्लोर आप रेंदे है। अगर सरकार इस तरह उन्होंने इतों डिसलोकेट करेगी वो तो पहला करोना ने मारिया दो साल हूँ इतों मर जाएंगे तो उठ नहीं सकते दौरा मुड़ के। फिर असी मौजूदा सरकार तो ये चाहते हैं भी पंजाब दे विच एक भी कलस्टर नहीं है, जो कलस्टर दे फंड 20% सरकार स्टेट गौरमेंट नूं पाउणे पैंदे हन वो पहल दे आधार ते दित्ते जाण, जिस दे नाल पंजाब विच तरक्की हो सके और नवीं जनरेशन इस तों सिख के अपना आत्म निर्भर हो सके। एक लुधियाणा पूरे इंडिया च मशहूर सीगा, हौजरी च लै लो, मैनुफैक्चर च लै लो, सब कुछ लै लो, अज दूसरे स्टेट्स अगे वधी जांदे, साडे पंजाब दी जिहड़ी लुधियाने दी हैगी जां मंडी गोबिंदगढ़ दी पिछे क्यों जा रही है? मुख्यमंत्री मिलदे आ मुड़के दा हल कढ़ना, कोई ना गल करवाउंदे वी इदां इन्नी जल्दी ना करो, इहनूं पहलां इहनां नूं किते रिहैबिलिटेट करो, बना के दिओ इंडस्ट्री लग छोटी MSME वास्ते, उत्थे इहनूं दिओ जगह, इह जाण उत्थे बण तों बाद फिर इहनां नूं आपां ऑटोमैटिकली आपे चलणगे जदों इहनां नूं जगह मिल गई उत्थे। अनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट जो है उहदा जो है प्रॉब्लम्स है समॉल स्केल इंडस्ट्रीज नूं बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हैवी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैवी होंदे जा रहे, समॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो जा रही है। लुधियाणा के स्थानक MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिला ऑडिटोरियम बनया हुआ, उत्थे पंजाब की एक मीटिंग हुई है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्होंने मीटिंग हुई है। तुम दस दें कि पंजाब की इंडस्ट्री से संबंधित उद्योग समस्यावां बारे विचार वटांदरा करके उद्योग नूं अगे वधाउण लई विशेष मीटिंग, जी हाँ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स अवेयरनैस मीटिंग इहनूं कह सकते हैं। भारतीय उद्योग एंड व्यापार मंडल पंजाब वल्लों भारत सरकार की उद्योग उत्ते व्यापार नाल संबंधित संस्थावां, क्योंकि इत्थे MSME की गल होवे, NSIC की गल होवे, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की गल होवे, तां भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दीआं कितने कितने जिहड़ी मीटिंग्स हुंदीआं ने उहनां दा मुख उद्देश रहिंदा है कि किवें जिहड़ा पंजाब दा जिहड़ा व्यापार दा निगार हो रहा दिनों दिन व्यापार डिग रहा है, क्योंकि 25-30% जिहड़ी इंडस्ट्री है उहदे उपर इकोनमी डिपेंड करती है, पंजाब की 65% एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, पर कितना ना कितने एग्रीकल्चर फिर भी जिहड़ी मौके दीआं सरकारां ने संभाल लैंदियां ने किसी ना किसी तरीके दे नाल, लेकिन जिहड़ी इंडस्ट्री है उहदा खर्चा इन्ना वधिया होया, रॉ मटीरियल इन्ने महंगे होए हुए ने, उहनूं लेबर शॉर्टेज का सामना करना पै रहा, पानी बिजली की किल्लत सामना करना पै रहा, होर भी कई कुछ मुद्दे है जिन्होंने लैके मीटिंग हो रही है। गलबात करते हैं जिले इत्थे दे मीटिंग के मुख अहुदेदार ने, तो जानते हैं कि की कुछ उन्होंने मुश्किलों ने उन्हों का सामना करना पै रहा। गलबात करते हैं सरदार दविंदर सिंह, एक अजीब पर्सनैलिटी जी लुधियाने काफ़ी फेमस ने। दविंदर जी, की कुछ परेशानियों का सामना सनअतकारों इंडस्ट्रिस्ट करना पै रहा? मैं दविंदर सिंह, प्रधान मशीन पंजाब स्टेट यूनाइटेड एसोसीएशन मशीन टूल मैनुफैक्चरिंग विंग। असी MSME मीटिंग बहुत जल्दी करते रहने, जिहड़ियां नवीं नवीं स्कीमां आउंदियां ने उह सानूं इंप्लीमेंट करदे हन, पर कुछ स्कीमां दे विच इह बहुत पिछे रह जांदे हन। इहनां दा जो पेपर वर्क आ उह जां इहनां कोल कंसलटेंट नहीं उहो जिहे हुंदे जिहड़े कि सानूं उह जागृति देण। बाकी जिहड़ियां इह लोन दीआं स्कीमां वा, लोन दीआं सबसिडियां जिहड़ियां, उहनां विच वी बैंक वाले बहुत करप्ट करदे हन। बैंक छोटी इंडस्ट्री नूं हत्थ पल्लै नहीं दिंदे हैगे, छोटी इंडस्ट्री बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंदी। MSME यूनिट तो लोन ले ही नहीं सकते। असी चाहते हैं भी एक नवी वक्री स्कीम बनाई जाए जो MSME यूनिट नूं जल्दी तो जल्दी तरक्की की जाए। जी मौजूदा सूबा सरकार दविंदर जी, उन्होंने तो की उम्मीदा रखते? असी मौजूदा सरकार तो ये चाहते हैं भी पंजाब दे विच एक भी कलस्टर नहीं है, जो कलस्टर दे फंड 20% सरकार स्टेट गौरमेंट नूं पाउणे पैंदे हन वो पहल दे आधार ते दित्ते जाण, जिस दे नाल पंजाब विच तरक्की हो सके और नवीं जनरेशन इस तों सिख के अपना आत्म निर्भर हो सके। ठीक है दविंदर जी, किसी समय तुसीं भी विधानसभा चोणां लड़ियां सन, तुहाडा मुख मुद्दा की सीगा, तुसीं अपने इलाके बारे की सोचिया सी? असीं तां इही सोचिया सीगा, एक तां करप्शन जिहड़ी है वह दिनों दिन वध रही है, ਉਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ
हफ्ता कह के 15 दिन का जो टाइम आनू कह के 3-3 महीने 6-6 महीने ला देंगे जब तक उस टाइम इंडस्ट्री वाला फैडअप हो के इंडस्ट्री में पैक करके दूसरी स्टेट चले जाता है। सो गलबात करते हैं उचेची तौर पर पहुंचे हुए हैं भारतीय व्यापार उद्योग मंडल मीटिंग में ज्ञानी जैल सिंह जी के पोतरे इंद्रजीत सिंह जी। इंद्र सिंह जी की कुछ पंजाब की इंडस्ट्री है उन्होंने मुश्किल सामना करना पै रहा? देखो मुश्किलों का सामना तो बहुत ही करना पै रहा, थोड़ी गल बिल्कुल सच्ची है। और मैं याद है जो समॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नू लुधियाने के अंदर मैं खुद देखा है कि लोन नहीं मिलता हुंदा सी, और उस टाइम जो ज्ञानी जैल सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने वो प्रॉब्लम जो दसी गई तो उन्होंने पर्सनली ये जो सीगा प्रॉब्लम नू सॉल्व किया। वो बहुत वड्डी देन हैगी है ज्ञानी जी की कि जिन्होंने समॉल स्केल इंडस्ट्री नू लोन लेना बिना गरंटी दे देना शुरू किया, तो अज वो समॉल स्केल इंडस्ट्री उठी हुई सी। पर आने वाले जो कई देखिए पिछले गवर्नमेंट्स गई हैं उन्होंने इस तरीके ना उन्होंने बिहेव किया जो इंडस्ट्री का, जो तो कि तुम एक सोचो एक लुधियाना पूरे इंडिया च मशहूर सीगा, हौजरी च ले लो मैनुफैक्चर च ले लो सब कुछ ले लो, अज दूसरे स्टेट्स अगे वधी जांदे साडे पंजाब दी जिहड़ी लुधियाने दी हैगी जां मंडी गोबिंदगढ़ दी पिछे क्यों जा रही है? इहदा कारण पुछना चाहना मैं, सरकार नूं पुछना चाहना, तो इन्हां दी प्रॉब्लम्स हैगियां उह सॉल्व क्यों नहीं करदे? क्योंकि देखिया जाए एक पंजाब मोस्टली 75% खेती का है और दूसरे रह गया इंडस्ट्री का 25%, और दोनों ही रीढ़ दी हड्डियां होंदियां देश दियां, और दोनों नूं ही तोड़िया जा रहा है। बड़े दुख की गल है कि जिन्नी सरकारां आईयां हैगियां वो इधर ध्यान नहीं दे रहे, और होर जिहड़ी चीज़ां हैगियां जिन्हां दी हले आपां जरूरत नहीं है, हुण कई चीज़ां हैगियां जिस दे नाल डिवेलपमेंट दे नाल कोई लोड़ नहीं है, उन्हां दे गवर्नमेंट दा खर्चा ज़्यादा हुंदा है ते लोकां नूं फ्री दे रहा। हुण मैं एक चीज़ पुछना चाहना है एक गवर्नमेंट तो, जो मैनुफैक्चर है कोई चीज़ मैनुफैक्चर होंदी बिजली जिहड़ी हैगी आपां मैनुफैक्चर करदे वो तुसीं फ्री दे रहे हो, और जो जबकि जो कुदरती सोर्स से मिलता है कुदरती रेता उन्हें तुम महंगा किया पे वो तो पैसा लगा रहे हो। इन्हां दी पॉलिसीज इस तरह दी पॉलिसीज मैनूं समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट अनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट जो है उहदा जो है प्रॉब्लम्स है समॉल स्केल इंडस्ट्रीज नूं बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हैवी जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हैवी होंदे जा रहे, समॉल स्केल इंडस्ट्रीज खत्म हो जा रही हैगी है, उन्होंने अगर ध्यान नहीं दिता तो आने वाले टाइम पर बहुत ही गड़बड़ होने वाली गल। जी मंडल की मीटिंग हुई है ये की आउटकम की निकलते पे है तो दोबारा इंडस्ट्री में बूम किवें मिल सकता है? देखो जी अज देखो सारे ने प्रॉब्लम्स दी है, जबकि मैं कुछ इंडस्ट्री नहीं मेरे पर मैंने उन्हों की प्रॉब्लम सुन रहा सी बैठ के। देखो हरेक चीज़ है, बिजली का प्रॉब्लम है वो देखो रेट्स है, पानी का प्रॉब्लम्स है, उन्होंने होर फैसिलिटीज़ है, वन विंडो शो नहीं है, प्रॉब कई परमिशनस लेनिया पैदा उन्होंने, वो बड़े वोदे उत्ते खजल खे करना पै उन्होंने होंदा हैगा, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम्स अज डिस्कशन हुई है। जब तक कि गवर्नमेंट बैठ के उन्हों की सलाह नाल कोई नहीं बनाती बजट उन्होंने बैठ के बना, उन्होंने समॉल स्केल इंडस्ट्री की मीटिंग बुलाई जाए, सीएम साहब खुद बैठन और उन्होंने फिर देखे जाए तो नैचुरली मसले हल हो सकते हैं। गलबात करते हैं साबका मंत्री और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रधान मलकीत सिंह बिरमी जी। मलकीत जी की कुछ मुश्किल दरपेश आ रही इंडस्ट्री में, अज उन्होंने की कुछ चर्चा हुई है? मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है नहीं, पर उन्होंने मेन 2-3 प्रॉब्लम है ने, जो सब तो पहले एक तरह की हैगी है जी इतने मिक्स लैंड यूज़ की प्रॉब्लम है पूरे शहर लुधियाने की, ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लखा इंडस्ट्री है, गरीब लोग ने छोटे छोटे घर है, किसी 2-3 मशीन थले लाइया उपर लिया फ्लोर आप रेंदे है, अगर सरकार इस तरह उन्होंने इतों डिसलोकेट करेगी वो तो पहला करोना ने मारिया 2 साल हूँ इतों मर जाएंगे, वो तो बताया उठ नहीं सकते दोबारा मुड़ के। फिर ये वास्ते मैं बनाई है स्कीम के अभी 10 मैंबरी डेलीगेशन जिदा या जलंधर का बाई इलैक्शन ओवर होता तो मुख्यमंत्री मिलते हैं मुड़के का हल कहना कोई गल करवाने भी इदा इन्नी जल्दी ना करो, इनू पहला इन्हों कि रिहैबिलिटेट करो, बना के दो इंडस्ट्री लग छोटी MSME वास्ते उत्थे दो जगह ये जान उत्थे बन तो बाद फिर इन्हों ऑटोमेटिक आपे चलेंगे जब उन्होंने जगह मिल गई। उत्थे नंबर 2 ने प्रॉब्लम आती है जी एक्सपोर्ट यूनिट है वो सानू बहुत दूर पैंदा पोर्ट इतों, तो एक कंटेनर ही भेजना इतों तो 1 लाख रुपया घट्टो घट्ट लगता है,
वो सानू बड़ी मार पैंदी है कि यह असी अफोर्ड नहीं कर सकते। बार भी करोना तो बाद जो शिपिंग कारपोरेशन है उन्होंने रेट बहुत बढ़ाते हैं, तो अगे जाके सानू उत्थे चार्ज लगते वो बहुत बढ़ गए हैं, तो यह लख रुपया एक्स्ट्रा पैंदा यदि मार थलों असी निकल नहीं सकते। यदा भी असी इंतजाम करा भी सेंटर गौरमेंट में जां सानू सबसिडी देवे उत्ते, जां सानू कोई रिबेट देवे ट्रेनों के देवे जां ट्रक ट्रकों नू, जिदा भी इसनू सस्ता पहुँचाया जाए। तीसरी प्रॉब्लम आ रही है बिजली इलैक्ट्रिसिटी की, भी जो पीक आता साढ़े आड़े हुण अपने अप्रैल तो लैके जुलाई तक आना है, ये जोर पैना किसानों नू बिजली का। सरकार उधर बिजली दिंदी है किसानों की, तो सारा रेवन्यू आता इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री नू कट लगते आ, वो बड़ी भारी प्रॉब्लम असी भी सोल्व करनी है। असी किसान के खिलाफ नहीं, तुम जो देना दौ, पर मतलब ये नहीं है कि तुसी बाकियां दे बोझ पा के तो खाना दौ, जिवें तुसी बाकी फ्री दे रहे हो अपने जिहड़े एस सी क्लास आ जां गरीब गुरबे है उन्होंने तुसी 600 जून दो महीने की फ्री करती, तो वह बर्डन तुसी इनक्रीज करके इंडस्ट्री से पा दिंदे हो। इंडस्ट्री तो पहला मर रही हैगी है, इहदा तुसी सोचो इंडस्ट्री नूं भी सबसिडी दिओ। जिस तरह पिछे जे एकदम स्टील के रेट इन्ने वध गए, डबल हो गया सी, मैं भी एक्सपोर्ट करता हैगा, सानू बड़ियां दिक्कत आंदिया कि जदों साढ़े कोल ऑर्डर बाहरों आए होंगे ने असी उन्हें मुड़ के चेंज नहीं कर सकते। वो ऑर्डर फड़ लिया असी, फर्ज़ कर लो वो साढ़े सहार ना भी 45 रुपये किलो से माल मिलना है, असी वो ऑर्डर ले लिया, वो साढ़ा 6 महीने का ऑर्डर चलना, इतने साढ़ा 90 रुपये हो गया, तो साढ़ा मार्जिन भी नहीं निकलता, सानू जेब चो पा के ऑर्डर पूरा देना पैंदा, कंपनी लैंदियां ने कि पहले ही कमिट कर ली। इस वास्ते सानू मार पैंदी, उहदे वास्ते जदों सानू देना इन्हां ने कोई रेट वधाउणे आ कोई ठीक है 1-2% 4% वधन तुसीं तां सिधे करदे ने जाके उहनां नूं 30-35% डबल हो गया इस स्टील पिछे, उहनां इंडस्ट्री मरी है, वह भी असीं इहनां कोल लिख जाणी है। तीसरा इंडस्ट्री दे अंदर साडा जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बुरी हाल है, गड्डियां टुट रहियां ने, लोड हुंदा ज़्यादा, टोए दे विच गड्डी जांदी आ, उहनूं पहल दे आधार ते ही कहिंदे सरकार प्रेफरेंस देवे उहनां नूं ठीक करे। नंबर 3 पानी दी बड़ी किल्लत आ रही है, थल्ले पानी बहुत डूंघा हो गया, पानी है नहीं गा, गवर्नमेंट पानी वरतों भी रोकदी है, तो असीं सोचा कि इंडस्ट्री वाले गल करके असीं नूं कहिंदे कि हारवेस्टिंग करो, जो बरसात आउंदी है वो पानी रखो, जां दुर्गड़ा दूजा पोल्यूटेड वाटर है ओले प्लांट ला के उन्हें सेव करो, तो सरकार उस वास्ते सानूं सबसिडी देवे, उन्हें कोई अपने कोल खर्चा नहीं कर सकते, जे सरकार दे दिंदी है तो पानी की समस्या साडी बहुत हद तक हल हो सकती है। फिर साडी सोलर पावर दी है, वो तो सरकार देवे उन्हें सबसिडी ता कि सोलर पावर यूज़ करन, जिहड़ा पीक जो पीक टाइम आ जांदा आ 4 महीने का उदों असीं सोलर पावर तो कम लईए, तो ऐसी डिमांडा बहुत हो रही छोटी है पर हौली करांगे हुण असीं, क्योंकि एक रेगूलर दफ्ते से कर रहे तैयार, उस स्टाफ बैठूगा 10-5 डेली 6 डेज ए वीक, प्लस असीं कोई 6-7 अलग अलग ट्रेड के विचों एक्सपर्ट लेने हैं जिहड़े साडीआं ब्लाक गल्लां च कॉरस्पोंडेंस सरकार ना सेंटर ना स्टेट ना करदे रहण, तां असीं जदों 10-15 मिलिया करिए तो उन्होंने टेकअप करिया करिए। हाँ धन्यवाद। सो वाकई इंडस्ट्रियल एंड कमर्स अवेयरनेस मीटिंग दे विच भारतीय व्यापार जिहड़ा हैगा उद्योग व्यापार मंडल है इन्हें की परेशानियां आ रही हैं, प्लस जी NSIC होगी जां डिपार्टमेंट ऑफ जिहड़ा इंडस्ट्री एंड कमर्स हुंदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दा, जे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जिन्हों MSME किया जाता है, तो इन्हां सब दे आपां जे क्लैब कर लईए तां कितना कितें कई तरह दीआं मुश्किलां इस वक्त पंजाब च देखण नूं मिल रहीआं ने। सो लुधियाने विच जिहड़ी वड्डी इक मीटिंग हुई है, लुधियाना इक वड्डा उद्योगिक शहर है पंजाब दा, तो उत्थे इह मीटिंग च इही चर्चा हुई है कि किस तरह जिहड़ी स्थानक सरकारां ने, चाहे सूबा सरकार है केंद्र सरकार है, हुण कोई अजिही पहलकदमी करे कि जिहड़ी इह अपने अखीरले साहां ते इंडस्ट्री बैठी है एक ते डुब्बे ना, अज इह 28 सीटां तो 16 नंबर ते पहुँच गई है, ते दुबारा इहनूं ईज़ ऑफ बिजनेस मंगू एक नंबर ते लैके जाणा, सरकारां दा साथ होणा चाहीदा, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट मेहनत करन नूं तैयार ने, 10-12 घंटे देण नूं तैयार ने, पर साथ चाहीदा मौके दी मौजूदा सरकारां दा, तां जो इंडस्ट्री फिर दुबारा प्रफुल्लित हो सके। कैमरामैन हरजीत सिंह दे नाल नवप्रीत सिंह बेदी, लुधियाणा लाइव न्यूज़।